आइए। सो हम लोगों का सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। हम लोग अभी तक जो भी पढ़ा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, दैट वॉज बेसिकली कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्री का प्रॉफिट निकालना सीखे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वाला लोग अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, हाउ सर्विस इंडस्ट्रीज दे कैलकुलेट देयर प्रॉफिट, हाउ दे फिक्स देयर सेलिंग प्राइस, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो बेसिकली आवर प्राइम फोकस वॉज ऑन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स हियर एंड देयर फॉर सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, एंड वी ऑल्सो हैव डन हाउ टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स, राइट। कंट्रोल अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वी डू अकाउंटिंग, राइट। वी ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये सब चीज हम लोग किया है। नाउ अब हम लोग क्या सीखेंगे? अभी जो हम लोग सीखेंगे बाजार में इसी चीज का इंपॉर्टेंस है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, राइट। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ईओक्यू एंड माई डैड हैज़ अ फैक्ट्री जहाँ पे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं ना, अकॉर्डिंगली आई प्रोड्यूस इट, तो उसके लिए मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ ही इज लुकिंग आफ्टर द फैक्ट्री, राइट, इफ ही इज लुकिंग आफ्टर द फैक्ट्री देन ही मस्ट नो हाउ मच रॉ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड ईच टाइम, ईओक्यू। सपोज हम अपना फैक्ट्री में गया, हम बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया, बट दैट विल नॉट सर्व माई पर्पज, बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग अ परचेज प्लान फॉर रॉ मटेरियल यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग सच स्टॉक, दैट इज स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू उसका एक इक्विलिब्रियम बताता है ना, अकॉर्डिंगली वी कम टू नो अ क्वांटिटी विच शुड बी परचेज ईच टाइम, राइट। वॉट शुड बी आवर स्टोरेज कैपेसिटी, हाउ मच फैक्ट्री साइज, हाउ मच रॉ मटेरियल वेयर हाउस साइज, स्टोर डिपार्टमेंट कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए अपने देखा मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, वेन वेन वी वेन 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 एट वॉट पॉइंट वी विल स्टॉप टेकिंग कस्टमर ऑर्डर, वेन आवर इन्वेंट्री लेवल कम्स बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल, इन दैट केस वी ओनली मेक एमरजेंसी इश्यूज। जो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लिया हुआ है उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वही हम इशू करेंगे। वंस आई गेट ईओक्यू, बिकॉज आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ईओक्यू, वंस आई गेट ईओक्यू देन नो मैटर आई कैन टेक फ्रेश ऑर्डर्स, राइट। सो काफ़ी सारा चीज हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी प्योरली रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन एज टू, डिसीजन एज टू क्या चीज का डिसीजन लेना है, राइट। डिसीजन रिगार्ड्स कि वेदर दिस यूनिट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। हो सकता है हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करें, इफ आई शिफ्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है, राइट। तो बेसिकली अब हम लोग का फोकस हो जाएगा डिसीजन मेकिंग पार्ट में, राइट। अभी तक था नॉर्मल फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हियर एंड देयर, अब वो सब नहीं, अब डिसीजन मेकिंग वाला बात आएगा, ये करें कि नहीं करें। सपोज आई एम गेटिंग एन एक्सपोर्ट ऑफर, शैल आई गो अहेड विद दैट और नॉट, my resources are limited, I want to maximize the profit, so I have multiple options, so which one to execute, right। तो एक हम लोग जो सीखेंगे अब हम लोग cost and management accounting जो subject है
One, we know how to calculate cost of the product plus fixation of selling price. ये हम लोग कर चुके हैं. We are studying objectives, right? Second, calculation of profit, right? So we have done cost sheet for that. Then cost control, cost reduction strategies, preparation of control accounts so that movement of goods can be properly monitored and controlled. ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू कवर? डिसीजन मेकिंग. इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें कि नहीं करें, लिमिटेड रिसोर्स में हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, whether to go for export offer or not, indifference point. Say for example, aap log to, I believe that most of you must be having some vehicle, right? So tell me, humko diesel wala gaadi kharidna chahiye ki petrol wala gaadi kharidna chahiye? Agar mera office Park Street se Alipur aana hai, so it's better to buy a petrol operated car. Petrol operated car mein kya hota hai? Gaadi ka daam kam rehta hai but running cost is very high. Diesel operated mein gaadi ka cost is high but running cost is low. Ab mera factory Dulagarh mein, right? हमको रोज अप एंड डाउन करना पड़ता है. आई विल गो फॉर डीजल ऑपरेटर. तो इनडिफरेंस पॉइंट. मैं आपको बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट आपको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पढ़ना है. अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, ये काम आएगा. अरे भैया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का पैसा नहीं मिलता, एनालिसिस का मिलता है, इंटरप्रिटेशन का मिलता है, किसी एक यूनिट को संभालने का मिलता है. बोला फैक्ट्री मैनेजर बना दिया तुमको. नाउ रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, स्टोरेज स्पेस क्या होना चाहिए, सब तुम्हारा जिम्मेवारी है. वर्कर को क्या स्कीम में पेमेंट करना है, हेल्से में करना है, रोवन में करना है, सो दैट प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, प्लस हमने जो प्रॉमिस किया था वो भी फुलफिल होना चाहिए कि हमारा अर्निंग बढ़ा देंगे. क्योंकि कोई भी इंसान अपना एफिशिएंसी तभी बढ़ाएगा जब उसको लालच मिलेगी. तो हेल्से रोवन में एक बोनस वाला एलिमेंट होता है. ओवरहेड को आपको एलोकेशन करना है, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, राइट? तो आपको एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाया गया, तो यू हैव टू लुक अपॉन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री. तो आप अगर जॉब करेंगे तो उस चीज का पैसा मिलेगा आपको. और अगर आपका खुद का बिजनेस है, देन दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. मैं खाली एग्जामिनेशन पर्पस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को आता है, हम लोग किताब पढ़ लेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर किताब पढ़ के सबको समझ में आ ही जाता तो फिर मेरा जैसा आदमी लोगों का दरकार ही नहीं है इस दुनिया में, तब तो कोई गुरु है ही नहीं.
अब एक बच्चा हमको पूछता है, सर आपको अगर इतना नॉलेज है तो आप अपना फैक्ट्री क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर लेते? हम मिडिल क्लास लोग कहां से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ बिग एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, उसका दो वक्का रोटी मिल जाता है, वो ही बहुत है. हाँ, वो बात अलग है. कुछ कुछ बड़ी कंपनीज, आई विल नॉट डिस्क्लोज अ नेम, दे हैव अपॉइंटेड मी एज अ कंसल्टेंट. उनका फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, एक फैक्ट्री में वर्कर लोग स्ट्राइक कर दिया था, द फैक्ट्री मैनेजर वॉज पेइंग देम ऑन एन आवरली रेट बेसिस. सो पहले मैंने मैनेजमेंट का बात सुना, फिर मैं लेबर यूनियन के आदमी से बात करने गया, उसका तकलीफ समझा. वेरी सिंपल, मालिक बोलता है प्रोडक्शन बढ़ाओ, मालिक बोलता है प्रोडक्शन बढ़ाओ, बाबू बढ़ा देंगे, सारा फायदा मालिक ही ले जाएगा. तो मेरे को तो आप लोगों को भी सॉल्यूशन मालूम है, क्या करना चाहिए था? इंसेंटिव स्कीम में लाना है उसको, परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन. जो भी देखेगा उसका एक्चुअल में ही शुड हैव. देखो क्या होता है ना, अगर किसी को नॉलेज नहीं है, पैसा है, तो वो लोग हम जैसा लोगों को हायर करता है. हम गया, एक घंटा दो घंटा में पूरा सॉल्यूशन दे दिया उसको. क्या था इसमें? अभी तुम लोग का ये सोशल मीडिया में कौन सा कंपनी अपना वर्किंग डे 4 कर दिया है, उसका प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गया है. कंपनी का नाम मेरे को एग्जैक्टली अभी क्लिक नहीं कर रहा है. देयर इज अ कंपनी हु हैज रिड्यूस इट्स वर्किंग डे टू 4 डेज अ वीक एंड उसका प्रोडक्टिविटी 40% जंप कर गया है. हम भी ऐसा ही है. आज हम 6 क्लास ले लेंगे. आई टेक 6 क्लास टूडे, आई वर्क 14 आवर्स. इस सोच में कि कल मेरा छुट्टी है. कहीं तो रिलैक्सेशन दो. कैसे डील करना? एक तो तजुर्बा जो आपके आपको पेरेंट से मिल ही रहा है, प्लस ये सब नॉलेज बहुत दरकार है. अपने पढ़े लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल में, एमर्सन है, मेरिक है, टेलर है, हेल्से है, रोवन है, देयर आर सो मेनी इंसेंटिव स्कीम्स. हमको याद नहीं, आई हैव टोल्ड यू और नॉट, देयर इज अ स्टूडेंट जिसके फादर ने घर बेचा था. टैक्स का बात बता रहा हूं, जिसके फादर ने घर बेचा था, राइट? तो एंड दैट स्टूडेंट वॉज स्टडिंग टैक्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कभी कभी देखेंगे जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ पूछते हैं ना, दे नो द आंसर बट दे स्टिल दे वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू. तो उसके फादर के केस में क्या था मेरे को पता नहीं, बट उसने फादर ने घर बेचा था. नाउ ही आस्क्ड हिज चाइल्ड कि बेटा ये तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा हम लोग को 20% का, क्या करें हम लोग? द सन गेव इंस्टेंट आंसर, और एक घर खरीद लो पापा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54. हिज डैड वॉज शॉक्ड कि माई सन इज बिकमिंग नॉलेजेबल. यू वोंट बिलीव, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, हिज डैड गिफ्टेड इमन होंडा सिटी एंड वो गाड़ी में सबसे पहले व्हेन ही बॉट ही केम डाउन टू मी. यूजुअली हर लड़का जब भी गाड़ी लेता तो फ्रंट सीट में अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाता है, बट उसने मेरे को बैठाया, राइट? एंड ही टुक मी टू, उस समय कैफे कॉफी डे वॉज लाइक, कि मतलब बहुत रिची रिच आदमी टाइप जाते. तो हम लोग गए, कॉफी खाया, थोड़ा बहुत स्नैक्स, बस खत्म.
उसको तो होंडा सिटी मिला मेरा ज्ञान से, अब मेरे को क्या मिला, एक कप कॉफी, प्यार मिला, ठीक है। तो ये सब लोगों को ऐसा लगता है कि कहानी है, बट इट्स अ फैक्ट। अभी मेरा बेटा है, वो ऐसा ऐसा बात कर रहा है, वी हैव नेवर टॉट हिम, स्कूल में सीख रहा है, लोगों से मिल रहा है, सो ऑटोमेटिकली एक गुड वाला फीलिंग आता है। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा तब जाके आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एनीवे, तो सब्जेक्ट में सबसे मेन मैटर है डिसीजन मेकिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, राइट? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये एक छोटा टू लेटर वर्ड है, ये टू दो दो वर्ड का एक ये है, लेकिन इसमें इतना है, आप पूरा एक सब्जेक्ट है ये अलग से। हम लोगों का हायर स्टडीज, हम लोगों का जब आप हायर स्टडीज करेंगे, यू विल गेट दिस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज अ सब्जेक्ट। हम लोग अगर परफॉर्मेंस का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट अच्छा है तो भैया ठीक है, बट प्रॉफिट इज नॉट ओनली द ओनली मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड? देर आर फोर थिंग्स इन विच यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वन इज योर फाइनेंशियल्स, द जीपी रेशियो, द नेट प्रॉफिट मार्जिन, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दीज आर फाइनेंशियल्स, प्लस देर आर ऑल्सो मेनी नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सपोज इफ यू आर बोर्डिंग अ फ्लाइट, यू शुड हैव अ स्मूथ बोर्डिंग, टाइमली लैंडिंग, दिस सैटिस्फाइज यू। एयरक्राफ्ट वॉज क्लीन, दिस सैटिस्फाइज यू। द कैबिन क्रू मेंबर्स दे वेरी नाइस, सैटिस्फाइज यू। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? काफी सारी एयरक्राफ्ट कंपनी है, दे लैंड बिफोर टाइम, पीपल प्रेफर दैट, इंडिगो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिलायंस, थर्ड वाला मैं बता रहा हूं, रिलायंस के एग्जाम्पल लेके। इनोवेशंस, हमेशा आपका ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक। जियो जो आया, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर का सोचो। फोर्थ इज योर इंटरनल कंट्रोल, राइट? इंटरनल कंट्रोल। तो ये चार ऐसा चीज है, चार स्तंभ। हर एक स्तंभ को प्रॉपरली मेजर करके आपको एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना पड़ता, जो मार्कशीट होता है ना, बैलेंस स्कोर कार्ड। इट इज नॉट ओनली द जीपी रेशियो। आई कैन मेक अ ह्यूज प्रॉफिट कस्टमर को बनाकर, यू कैन अंडरस्टैंड क्या बनाने का बात हो रहा है, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, राइट? सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में खाली फाइनेंशियल्स नहीं आएगा, और भी बहुत सारा चीज आएगा, कमेंटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हमारे सिलेबस में परफॉर्मेंस मेजरमेंट का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो हम लोग इसमें एक टूल यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड जहां तक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल है, वी विल डू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑब्लिक वेरियंस एनालिसिस।
कोई भी फैक्ट्री का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसका कॉस्ट होता है. जैसे ये मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट था, ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है. डिस्टेंस इज द वेरिएंस. अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल मैनेजर विल बी रिवॉर्डेड. ठीक है, पिक्चर क्लियर है? हाँ, काफी बड़ा बड़ा चैप्टर है ये दोनों ही, राइट? और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट हम लोग राइट आपके सिलेबस बुक में ये दो दो चैप्टर में दिया हुआ है, राइट? ये भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है. सो आप लोग ये सब सीखेंगे ना, तो आप लोग इसको आगे जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगे. जैसे मान लो अगर मैं कोई स्टार्टअप करने का सोचता हूं, ठीक है, अब वो स्टार्टअप में मैंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है, मैं उसको बेचूंगा, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा. ठीक है, देन व्हाट यू सी, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, एंड देन देयर विल बी अ वर्ड विच वी माइट हैव हर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट. से फॉर एग्जाम्पल, बाई सेलिंग अ प्रोडक्ट आई एम गेटिंग 10 रुपीज नेट में, आई एम गेटिंग 10 रुपीज नेट में, एंड माई फिक्स कॉस्ट इज 1 lakh rupees. सो हाउ मेनी प्रोडक्ट विल आई सेल सो दैट आई एम ब्रेक इवन? 10,000. सो नाउ यू गो टू द मार्केटिंग टीम, द मार्केटिंग टीम विल हेल्प यू, दे विल डिजाइन अ प्लान फॉर यू सो दैट यू कैन हैव 10,000 कस्टमर बेस. और मोर देन दैट तो प्रॉफिट विल स्टार्ट. देन आई मीन अ पॉजिटिव जोन. At 10,000 things becomes neutral. So at least I must sell 10,000. So ये break-even analysis भी हमारे syllabus में है. काफी सारा चीजें हम लोग एक के बाद एक करेंगे. Let us start. मैं आपको सबसे पहला मैं आपको costing के बारे में थोड़ा बताऊंगा. Costing means cost of manufacturing a product oblique providing services. ठीक है, तो अपने manufacturing a product का बात करते हैं. There are two types of technique. Techniques. कॉस्टिंग करने का दो टेक्निक है. कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोवाइडिंग सर्विस. तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट क्या है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट वी हैव टू कैलकुलेट. तो एक है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक और एक है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. ठीक है, एक है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बोलता है ऑल कॉस्ट. ऑल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर. All cost, that is variable cost plus fixed cost, should be recovered from customer.
Is that fine? सारा का सारा खर्चा मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज डायरेक्ट मटेरियल, एक प्रोडक्ट बनाने में 2 केजी लगेगा एट द रेट 4 रुपया पर केजी, तो 8 रुपया हो गया. डायरेक्ट लेबर 3 घंटा लगेगा और वर्कर का रेट है 5 रुपया, 15 हो गया. हाँ, वेरिएबल ओवरहेड 3 घंटा एट द रेट 2 रुपया करके 6 हो गया. फिक्स्ड ओवरहेड, नाउ फिक्स्ड ओवरहेड आप लोग को ऑलरेडी पता है एवरेज बेसिस में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाला जाता है. ये हम लोग आपको पहले ही स्टार्टिंग में, जो ये हम लोग तो कॉस्ट सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, हम लोगों ने जब आप कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना सीखे थे उस समय आपको बोला दिया गया था कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज बेसिस. सच एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, सच एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, मशीन आवर. नाउ लेबर आवर, मशीन आवर आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड ईच प्रोडक्ट हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, सो इन दैट केस यू गो फॉर लेबर आवर और मशीन आवर. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज, जो अपने ओवरहेड कॉस्ट एंड कंट्रोल में सीखे हैं, राइट? तो इन दिस केस, से फॉर एग्जाम्पल 70,000 इज माई फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री हो गया, सुपरवाइजर सैलरी हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, लाइटिंग चार्जेस हो गया, राइट? ये सब ओवरहेड्स में आता है, फिक्स्ड ओवरहेड में. कुछ कुछ वेरिएबल में आता है, जैसे पावर हो गया, पावर इज ऑन पर आवर बेसिस, कितना घंटा बिजली जल रहा है. सो वेरिएबल ओवरहेड तो डायरेक्टली आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड एवरेज बेसिस पे आएगा. तो 70,000 फिक्स्ड है और माई एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज 70,000. सो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड कितना है? 70,000. आई हैव टू एस्टिमेट बिफोर हैंड कि मेरा पूरा साल का फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एंड एस्टिमेटेड यूनिट्स 10,000 है. तो व्हाट इज माय एवरेज? 7 रुपया इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो बताओ कितना आ रहा है ये? 36. इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा 25% ऑन कॉस्ट, 9. सो 45 इज माई सेलिंग प्राइस. हाँ, ए वन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग वन प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. डायरेक्ट मटेरियल तो आपका पर यूनिट आ ही जाएगा ना, एक बनाने में कितना लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने में कितना घंटा लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटा लग रहा है, तो वेरिएबल ओवरहेड भी 3 घंटा, राइट? फिक्स्ड ओवरहेड टोटल पे होता है, उसको आप एवरेज बेसिस पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाल दिया. तो 8 + 15 = 23, + 6 = 29, + 7 = 36, उसका 25% हम लोग किया तो 9 आएगा. तो 45 इज माई सेलिंग प्राइस. इज दैट फाइन? नाउ अब रिलायंस क्या किया जब जियो लाया, क्या सीडीएमए मोबाइल जो लाया था रिलायंस, क्या किया उस समय? पूरा मार्केट को अपने तरफ कर लिया. आज बीएसएनएल का ऐसा हालत क्यों है? रिलायंस के कारण. बीएसएनएल वॉज फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक.
टेलीकॉम इंडस्ट्री, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहे थे। हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करने से क्या होता है, आपका जो भी खर्चा आप कस्टमर से ले रहे हैं प्लस यू आर टेकिंग प्रॉफिट। इन दिस केस यू विल हैव अ लॉस ओनली व्हेन यू आर अनेबल टू सेल 10,000। आपको लॉस तभी होगा अगर आप पूरा जो एस्टिमेट किया वो नहीं बेच पाएंगे, तभी आपको लॉस होगा, अदरवाइज आपको लॉस होने का संभावना नहीं है। क्योंकि वेरिएबल, ये तो एस्टिमेटेड है ना, वेरिएबल में ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट में, ये सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट है ना। कौन कौन से? पहला तीन, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएगा नहीं। आप कस्टमर से 45 रुपीज करके ले रहे हैं एंड फिक्स कॉस्ट में भी मान लेते कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एंड ऑफ द ईयर आपने 11,000 12,000 बेचा है, फाइन एनफ, नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉफिट होगा बुक्स में। दिक्कतें पैदा रिलायंस ने करनी स्टार्ट कर दी। हुआ क्या, रिलायंस कहता है मैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करूंगा। पहला बात मैं आपको बता देता हूं, आग वाला टेक्निक है ये, बहुत बहुत ही एग्रेसिव है। एनीवे, अगर ये चल गया तो सामने वाला खत्म हो जाएगा। हाँ? चीज समझो, बहुत एग्रेसिव टेक्निक है ये, या तो सामने वाला खत्म हो जाएगा या आप खत्म हो जाएंगे। ये टेक्निक क्या बोलता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। सर, तो व्हाट विल बी द पोजिशन नाउ? द पोजिशन विल बी डायरेक्ट मटेरियल विल बी 8, डायरेक्ट लेबर विल बी 15, वेरिएबल ओवरहेड विल बी 6, फिक्स्ड ओवरहेड नॉट इंक्लूडेड 29 प्लस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कितना आ रहा है? सेवन पॉइंट टू फाइव, सो इट इज कमिंग रफली अराउंड 36.25। नाउ एक प्रोडक्ट बाजार में 45 का बिक रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट दूसरा कंपनी लॉन्च कर दिया 36.25 में, चांदी हो जाएगा इसका। पहले वो कॉर्डलेस माइक जैसा फोन था, जिस घर में फोन होता था मतलब करोड़पति आदमी है वो। एक एक कॉल्स का 25 रुपया। माय अंकल वॉज हैविंग इट, दो ही वॉज नॉट करोड़पति बट स्टिल। राइट, एक एक कॉल्स का, पहले सबका मंथली बिल आता था बीएसएनएल का 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 2,000, और किसी के घर में शादी है तो कोर्टशिप पीरियड में देखना नाइट कॉलिंग
फिर नाइट कॉलिंग फ्री होने लगा धीरे धीरे, राइट? पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स था, गुड़ था। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, लोग अपना प्राइसिंग टेक्निक चेंज करने लगे। रिलायंस तो पूरा साफ ही कर दिया, टेक्निक बदल दिया ना, प्राइसिंग टेक्निक बदल दिया। अभी तुम देखो ना, इतना सस्ता हो गया है, हर आदमी के पास में फोन है, ईच एंड एवरी कैटेगरी। ऐसा एक आदमी नहीं है जो विदाउट फोन है आज के दिन में। काफी सारा इंसिडेंट हम लोग देखते हैं, कहीं पे हम लोग कार वार में या रिक्शा वगैरह में जाते हैं तो फोन का घंटी बजता है, यू टेक आउट फोन फ्रॉम योर पॉकेट, बट दैट्स नॉट योर्स। इतना सस्ता कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहा था वो तो बैठ जाएगा, और ये मारेगा छक्का पे छक्का। किसको नुकसान नहीं हो रहा है, अब इसको वॉल्यूम इतना ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो एक चीज 1,000 रुपया का, तो आई एम अनेबल टू एफोर्ड इट, द मोमेंट आई मेक इट 200, एवरी वन इज एबल टू एफोर्ड इट। मतलब पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री के अगर 1,000 कस्टमर बेस था, क्योंकि इसका प्राइस वॉज सो हाई दैट एवरी वन वॉज अनेबल टू एफोर्ड इट, कोई इसको एफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं इसका सस्ता कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इसके कंज्यूमर नहीं थे वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे इसको परचेजिंग। पहले था मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास में फोन, अभी घरों में, मेरे घर में 8 मेंबर हैं, फोन 15 ठो है। राइट? घरों में प्राइस रिड्यूस करने से वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया, राइट? कस्टमर बेस बढ़ गया। जैसे यहां पे 10,000 कस्टमर बेस था ना, देखो ये रहा बेस, अब 1 लाख हो गया, ऐसा बेस हो जाएगा। तो मान लो अब हम 20,000 यूनिट बेच दिया, तो 20,000 यूनिट अगर हम बेच दिया है, तो 20,000 यूनिट से मेरे घर में आया कितना, 7.25 करके करो मल्टीप्लाई करो, 20,000 × 7.25 1,45,000 है ना, माइनस हम इससे अपना फिक्स कॉस्ट करेंगे 70,000, क्योंकि वो तो हम कस्टमर से रिकवर नहीं किए थे। 20,000 यूनिट ही तो लिया, तुम समझो नॉर्मली 10,000 बेचते थे, दूसरा लोग बेचता था, हम प्राइस कम करके बाजार में उतर गए, तो उसका कस्टमर तो मेरे पास आएगा ही, प्लस हम कस्टमर बेस भी बढ़ा दिया, अब ये लोगों के एफोर्ड में आ गया, लोगों का एफोर्डेबिलिटी में आ गया, अब ये इतना सस्ता हो गया। अंडरस्टूड? तो ऑटोमेटिकली आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 75,000, सो आई वाइट वॉश द कंपिटिटर, BSNL को वाइट वॉश कर दिया। जो कस्टमर के एक होता है ना मार्केट का, वो रेडायर में नहीं था, जो कस्टमर लोग उन लोग को भी ले आया, बहुत जन रेडायर में नहीं थे उन लोगों को भी ले आया, एज अ रिजल्ट
ओवरऑल देखेंगे तो हमको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो जियो जो बोल रहा है हम सस्ता दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, मान लेते हो कस्टमर से खाली वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा जनरेट कर रहा है, लाखों का चीज अब करोड़ों में हो गया है, जो लाख यूनिट बिकता था, जो एक मार्केट साइज होता है ना, द मार्केट साइज, द मार्केट कैप हैज बीन इंक्रीज्ड, कैप बढ़ा दिया वो। तो अगर हम कैप बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक, अच्छा ये उल्टा भी पड़ सकता है, अभी मान लो बीएसएनएल जो क्वालिटी देता है हम वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, तब क्या होगा? अभी मान लो एक दो साल तक ठीक है, लेकिन वापस से बीएसएनएल मार्केट गेन करेगा। हमारा टीचिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, कोई बोलेगा 500 रुपए में पढ़ा देंगे, तो मेरा सारा स्टूडेंट तो वहां चला ही जाएगा, प्लस मार्केट में न्यूज पढ़ा और भी बाकी टीचर्स के सारे स्टूडेंट उसके पास पहुंच गए, उसका औकात नहीं है मेरा जैसा पढ़ा देगा वो। जब स्टूडेंट को ये बात रियलाइज होगा ऑटोमेटिकली दे विल कम। और अगर मेरे से अच्छा पढ़ा दिया तो गया, हम गए, अब मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा पाया तो वो गया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी एग्रेसिव। ये तो मैं जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल लिया हूं टेक्निक समझाने के लिए। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, मदर्स पिकल, मदर्स पिकल, राइट, लिज्जत पापड़, इन सब का जो स्टोरी है, इट स्टार्टेड फ्रॉम एन हाउस। अच्छा, टाइम टू टाइम क्या होगा, मैं बता रहा हूं आपको, आई एम कमिंग टू द स्टोरी। आज भले ही आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो आपको मार्केट मिल गया, धीरे धीरे आप प्राइस इंक्रीज करेंगे। बेटा ये टेक्निक आप मार्केट को कैप्चर करने के लिए, पर घुसने के लिए है जिंदगी भर, क्योंकि ये तो मैंने खाली फिक्स कॉस्ट बताया, लाखों रुपया लगा है एस्टैब्लिशमेंट में, वो भी तो रिकवर करना है, तो इससे तो होगा नहीं, खाली फिक्स कॉस्ट मीटअप, फिक्स कॉस्ट तो हर साल लगेगा, लेकिन उसका एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट भी तो है और भी बहुत सारा चीज है, उसको भी तो रिकवर करना है। खाली घुसने के लिए था, राइट? तो जितने भी हाउस होल्ड लेडीज है ना, उनका स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है? घर से स्टार्ट होता है। सपोज एक हाउसवाइफ है जिसने किसी चीज का प्रोडक्शन चालू किया है, अब उनको तो नॉलेज नहीं है उतना, तो वो क्या करती है, खुद से बनाती है और बेचती है। तो वो क्या करती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट 100 रुपया लगा, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपया, ₹120 सेलिंग प्राइस, बिजनेस चलने लगा। तो ये प्योरली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है, धीरे धीरे देखिएगा ये एब्जॉर्प्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब काम बढ़ा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 100, लेबर रखना पड़ रहा है, लेबर आ गया 30 का, प्रॉफिट 20, 120 ना, 150 हो गया ना, सॉरी
मैथ्स थोड़ा वीक है, ठीक है। हाँ अल्टीमेटली तो आपका एब्जॉर्प्शन में आना ही पड़ेगा बेटा। हाँ धीरे तो आ ही रहा है, धीरे धीरे चार्ज कर, चार्जेबल कर दे रहा हर चीज को। वो जो भी आया हो, अरे बेटा सुनो, जिसके पास पैसा है ना, जिस बिजनेसमैन के पास में, वही सरकार बनाता है और वही उसको बदलता है। आज भी मेरे घर के बाहर में BSNL का ऑफिस है, घर से थोड़ा आगे, उससे जब गुजरते हैं उसका स्टाफ लोग आज भी रास्ता में ही खड़ा रहता है। उनका एम्प्लॉयज लोग को निकाल दिया जा रहा है ना, फिक्स कॉस्ट कहाँ से बियर करेगा। राइट, एनीवे, धीरे धीरे अब घर से नहीं हो रहा है, बच्चा लोग बोल रहा है मम्मी आप ये क्या कर रहे हैं, तो भाड़ा का जगह लेना पड़ा, ओवर हेड कॉस्ट। क्या बाद में लॉस क्यों करेगा बेटा, हर चीज का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ा ना, अब क्या होगा, विदेश में बेचने लगे और ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे बढ़ेगा हम अपना, उसी हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस भी नर्चर होता जा रहा है। अब क्या है, जब हम वेल एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो कोई दूसरी हाउस ओन लेडीज उस समय मेरे कंपटीशन में आ जाएगी। अब जैसे BSNL शुरू में धीरे धीरे पहुंचा ना, वेल एस्टैब्लिश हो गया था, जियो आ गया कंपटीशन में, एयरटेल वोडाफोन तो शिफ्ट हो ही गया मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में, एयरटेल वोडाफोन तो शिफ्ट हो ही गया मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में। वो लोग भी पहले एब्जॉर्प्शन फॉलो करता था, दे यूज टू चार्ज हाई, जैसे देखा जियो आ गया, वो लोग भी उसी 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 रेडार में आ गया। वो लोग भी दे केम इन द सेम रेडार, तो ये चलता ही रहता है। आपको डिपेंडिंग अपॉन मार्केट का सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा टेक्निक फॉलो करना है। घुसना है, गो फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो। यूनिक प्रोडक्ट है, आपको लगता है नहीं चल जाएगा, तो गो फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रेस्टो जब आया था, कस्टमाइज गिफ्ट शॉप, पूरा यूनिक था। पहले लोग आर्चीज का कार्ड देते थे वैलेंटाइन डे में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कितना कार्ड खरीदे हम लोग। फ्रेंड का बर्थडे है, चलो कार्ड खरीद के लाते हैं। पहले बर्थडे में कार्ड मिलना, आई डोंट नो आप लोगों के टाइम में क्या होता है, हम लोग के टाइम में तो मतलब इट वाज लाइक कि कार्ड मिला, वाओ, संभाल के रखा हुआ है। सौ 150 कार्ड होंगे मेरे पास। आर्चीज उस समय क्या चलता था, प्रेस्टो आया, गेम ओवर, बहुत इफेक्ट हुआ उसका सेल्स, यूनिक कॉन्सेप्ट था। कार्ड नहीं, अब मग्गा में फोटो बना के देंगे, पिल्लो में फोटो बना के देंगे। राइट, यूनिक कॉन्सेप्ट से आया। तो प्रेस्टो को पता था ये यूनिक है, इसलिए प्रेस्टो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में नहीं गया, प्रेस्टो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में गया स्टार्टिंग से ही। मार्जिनल कॉस्टिंग, उबर ओला लोग इनडायरेक्टली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो किया। पहले वो लोग प्राइस कैलकुलेट किया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के बेसिस पे। क्या बात कर रहा है तुम, हम बता रहे हैं, सुन लो। कोई भी गाड़ी का दो कॉस्ट होता है,
रनिंग कॉस्ट, रुको बेटा रुक जाओ, और एक है फिक्स कॉस्ट। पहले जब उबर ओला बिल देता था ना 10 किलोमीटर इंटू 7, 40 मिनट इंटू 1, तो ये फिक्स कॉस्ट का एवरेज मिनट बेसिस पे निकाल लिया, और जो रनिंग कॉस्ट है उसको किलोमीटर बेसिस पे निकाल लिया एवरेज। तो उबर ओला क्या करता था, 70 40, ठीक है, 110 आया, इसमें 40 30 रुपीज का 40 जो प्रॉफिट जोड़ दिया सेलिंग प्राइस। ऐप में फटाक से दिखा देता था, ऐप गूगल मैप का सर्विस यूज करता था, उससे ट्रैफिक का वो पता चल जाता था, यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, और रेड है ऑरेंज है ब्लू है उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट हो जाता था ना, ऑटोमेटिकली फेयर डिस्क्लोज हो जाता था। फिर ऊबर वाला क्या किया, अप्लाई प्रोमो, फिफ्टी परसेंट ऑफ। वो इनडायरेक्टली आपको मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में लेके आया, डायरेक्टली नहीं लेके आया। तो आपसे बेसिकली वो लिया रनिंग कॉस्ट हिसाब से देखेंगे तो। धीरे धीरे वो क्या किया, 50% फ्री राइड, 50% 20% 10% राइड पास, ऐसे करते करते अभी ऐसा लत लगा दिया है। अभी रिलायंस आएगा ना, रिलायंस का प्लानिंग में है ये, रिलायंस आने वाला है। रैपिडो भी, रैपिडो इज नॉट फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। रैपिडो का जो प्राइस है उबर पूल का कंपैरिजन में है, जो भी है। तो उबर वाला लोग भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक ही फॉलो किया, बट वो लोग इनडायरेक्टली मार्जिनल में आया बाय गिविंग प्रोमोज एंड ऑफर्स, क्योंकि ड्राइवर को रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, घर से थोड़ी करेगा ड्राइवर, थोड़ी नुकसान बियर करेगा। तो उबर किया, अब 50% को धीरे धीरे 20 30 में लेके आया, फिर 20 में लेके आया, फिर 10 में लेके आया, फिर 0 कर दिया, अब सर्ज मार रहा है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा टेक्निक से आपको बाजार में, अभी रिलायंस आएगा पूरा साफ कर देगा। रिलायंस डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में, वो आया वो प्रोमो प्रोमो में नहीं आएगा। और रिलायंस अपना गाड़ी लॉन्च करेगा, इसमें तो क्या गाड़ी हम लोन में ले लिया, हम उबर में अटैच कर दिया। अरे तू रिलायंस का, रिलायंस है भाई, दे आर डूइंग ना, एयरटेल एंड वोडाफोन डिड द सेम थिंग, हो रहा है ना। अब कौन सा जियो में प्रॉब्लम है, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन जो सर्विस देता है वोडाफोन, जियो का उतना नहीं है। द क्वालिटी इज डिक्रीजिंग, इट्स नॉट इंप्रूविंग। हाँ दे विल फेस ना भाई, मेरा साम्राज्य को कोई आके पूरा खराब कर दिया, देन अगेन आई हैव टू रिटेन माई कस्टमर ना। कस्टमर जहां फायदा देखेगा ना, भले ही नहीं जाए दिमाग जरूर लगाएगा। 80% कस्टमर तो चला ही जाता है, लेकिन दिमाग जरूर लगाएगा। इज दैट फाइन? सो हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग करना है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, इनकम स्टेटमेंट अंडर
मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हम लोग का भी टीचिंग इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, हम लोग कभी नहीं जाते मार्जिनल कॉस्टिंग में, हम लोग हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन टू दिस थिंग। आई एम मेंटेनिंग माई क्वालिटी भाई, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है ठीक है, फाइन इनफ। सर्विसेज हम लोग ऐड किया है वो बात अलग है, बट वी हैवंट इंक्रीज द प्राइस। आज तुम एक चीज सोचो ना, 3,300 एंड द कोर्स विल गो ऑन फॉर 5 मंथ्स, तो प्रैक्टिकली इफ यू अप्लाई द लॉजिक इट इज नॉट इवन कमिंग टू 700 रुपीज अ मंथ। आज के दिन में कहाँ है, हर हफ्ता में आदमी अगर एक पिक्चर भी देखेगा तो उसका 700 रुपया खर्चा हो जाता है, यहाँ पे पूरा महीना पड़ेगा तो 700 रुपया नहीं देना पड़ रहा है। द कॉस्ट इज वेरी लो, राइट? एनी वे, अब कस्टमर बेस हाई है कि नहीं वो कैसे बताएंगे? सो इनकम स्टेटमेंट अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे बनता है? हम लोग जो कॉस्ट शीट बनाए वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बनाया, अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे बनेगा? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में यू हैव डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों चीज है। नाउ लेस करने से जो आएगा उसको अपने प्रॉफिट नहीं बोल सकते, बिकॉज वी हैवंट पेड द फिक्स्ड कॉस्ट येट, तो इसको अपने बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। इसको अपने बेसिकली बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा हमारा फिक्स कॉस्ट, सो आई विल गेट माई प्रॉफिट। हाँ नहीं, ये तो एक्चुअल है ना, एस्टिमेट तो प्राइस आ गया मेरा, ये तो ऊपर में प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब मैं बेच रहा हूं तो उसका इनकम स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा ना लास्ट में, कि व्हाट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट। प्राइसिंग के लिए तो मैं कर ही चुका हूं, प्राइसिंग हो चुका है मेरा। नहीं, प्राइसिंग निकालने का सम नहीं आएगा, प्राइसिंग निकालने का सम तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, वो हो गया। दे विल गिव यू द सेलिंग प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग, राइट? हाँ, दे माइट टेल यू टू कैलकुलेट द रिवाइज सेलिंग प्राइस इफ सम कंडीशंस आर बीइंग इम्पोज्ड, बट नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये वाला चीज नहीं आएगा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं। अगर इसमें कोई कंडीशन चेंज होता है, दैट सपोज आई हैव टू मेंटेन दिस प्रॉफिट, देन वॉट शुड बी द रिवाइज वॉल्यूम और वॉट शुड बी द रिवाइज सेलिंग प्राइस, उस टाइप का वॉट इफ एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? सो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, इज दैट फाइन? सिंपल है। सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, बिकॉज वो तो मैं कस्टमर से लिया ही हूं, जो बचेगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली, बिकॉज आई हैवंट पेड फिक्स्ड कॉस्ट, आई हैवंट रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? सो एग्जाम्पल देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6, फिक्स कॉस्ट 10,000, सेल्स वॉल्यूम 4,000 यूनिट। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट प्रॉफिट।
6000 सिंपल है। तो इस टाइप का सम आपके एग्जाम में आएगा। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आंसर सेल्स, 4000 यूनिट बेचा है एट द रेट 10, कितना आ रहा है? 40000। सो आफ्टर पेइंग वेरिएबल कॉस्ट आई एम लेफ्ट विथ कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ मच? What will I pay? प्रॉफिट आ गया मेरा 6000। ठीक है, क्वेश्चन टू, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर अभी देखो, 4000 यूनिट बेच के मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 16000। इसमें 10000 फिक्स कॉस्ट देने के बाद 6000 प्रॉफिट आया। तो अगर मैं ब्रेक इवन का बात करता हूं, तो ब्रेक इवन में अपने को प्रॉफिट जीरो चाहिए, है या ना? और फिक्स कॉस्ट हमारा 10000 है, तो व्हाट शुड बी आवर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन? 10000, है ना? ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट इज जीरो। सो इफ प्रॉफिट इज जीरो, तो व्हाट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन? 10, बिकॉज आवर फिक्स कॉस्ट इज 10। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, फिक्स कॉस्ट सिंस प्रॉफिट इज जीरो। बैक कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं, तो इफ आई डू द बैक कैलकुलेशन,
Right? BEP is the level of sales at which profit equals to zero. So, अगर profit zero है, fixed cost तो change नहीं होगा, तो अपने को contribution 10,000 चाहिए. तो we need a contribution of 10,000. अच्छा. अगर आप question को अच्छे से check करेंगे, selling price is 10, variable cost is 6. So, what is my contribution per unit? देखो चेक करो, यू कैन गेट दिस डायरेक्टली ऑल्सो. 4,000 आपने बेचा, 4 करके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आ गया ना 16,000, क्योंकि हर एक यूनिट का आपको वेरिएबल कॉस्ट देना है. तो जितना भी आपके पास 10 रुपये आ रहा है, उसमें 6 रुपये आपको देना है, वेरिएबल है, तो आपके पास बस तो 4 रुपया करके रहा है. सो वॉट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? और नॉर्मल रिवाइज कहां से आएगा, अभी तो सेलिंग प्राइस थोड़ी चेंज हुआ है. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एसपी माइनस वीसी, दैट इज 10 माइनस 6, 4 रुपया पर यूनिट है. सो नाउ द सिचुएशन इज required contribution is 10 total and per unit it is 4, so therefore break even point equals to required contribution by contribution per unit. Now required contribution is nothing but fixed cost by contribution per unit, that is 10,000 by 4, तो अपने 2,500 यूनिट. यूनिट्स कितना, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, नहीं सेल यूनिट्स है ना, मैंने लिखा है डेफिनेशन, द लेवल ऑफ सेल्स एट विच प्रॉफिट इज जीरो. कितना सेल होने से मेरे को ब्रेक इवन हो जाएगा? तो टेल मी, अभी जो मेरा पोजीशन है, आई एम इन बेटर पोजीशन और वर्स्ट पोजीशन? बेटर, बिकॉज आई एम एबल टू सेल 4,000 यूनिट और मेरे को 2,500 में ही ब्रेक इवन हो गया. तो एनी यूनिट सोल्ड अबव ब्रेक इवन इज प्रॉफिट. तो देखो 4,000 में प्रॉफिट ही आया ना. अब देखो, अब आप फ्रंट कैलकुलेशन करो, 2,500 को इंटू 10 करेंगे तो 25,000 आएगा, और 2,500 को इंटू 6 करेंगे तो 15,000 आएगा. तो अपने पास तो 10,000 ही बच रहा है ना. तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको प्रॉफिट निकालने बोलेगा. नाउ दे विल ऑल्सो टेल यू टू शो अस द ब्रेक इवन, सो अकॉर्डिंगली यू विल कम टू नो कि वेदर यू आर इन सेफ पोजिशन और वर्स्ट पोजिशन. राइट नाउ आई एम सेफ. नाउ जैसे जैसे आपका सेल्स गिरेगा ना, आपका खतरा का घंटी स्टार्ट हो जाएगा. द मोमेंट योर सेल्स स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, 3,500, 3,000, 2,700, 2,600, 2,650. अब 2,500 हो गया. सो नाउ अगर और सेल गिरेगा तो नाउ यू विल स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस. सो नाउ यू नीड टू सी योर कैपिटल बैकअप, कि आप कब तक लॉस बियर कर सकते हैं. देन यू हैव टू डू शट डाउन एनालिसिस. वेरी गुड. Right? So, this was your profit part and break-even point. बहुत बार क्वेश्चन में बोलता है break-even in rupees बताओ. सिंपल है, break-even in rupees. तो 2,500 यूनिट आ गया, what is selling price? तो 25,000 रुपए का माल बेचेंगे और क्या, यूनिट आ गया इनटू सेलिंग प्राइस कर दो और क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा. सो दिस वाज ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स एंड दिस इज इन रुपीस. तो यूनिट्स आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो द
रुपीज वाला पार्ट, ठीक है? सो दिस वॉज अ बेसिक आइडिया एंड वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग. सो हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट?